हेलो फ्रेंड्स, आज हम आगास किचन में चॉकलेट केक बनाने जा रहे हैं। केक मैंने पहले से बेक कर लिया है। इसके इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और चॉकलेट केक की अगर आपको रेसिपी चाहिए तो मैंने कई वीडियोस डाले हुए हैं, मैं उसका भी लिंक आप डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। केक को मैंने सबसे पहले 6 लेयर्स में कट किया है। एक शार्प नाइफ की मदद से इवनली कट करेंगे। ठीक है, ये मैं मिल्क यूज़ कर रही हूँ, इसमें मैंने शुगर ऐड की हुई है। पानी भी ऐड करते हैं। मैंने मिल्क इसलिए यूज़ किया था ताकि ये ज़्यादा सॉफ्ट रहता है, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। साथ में मैंने उसके ऊपर व्हिपिंग क्रीम लगाई है। एक लेयर क्रीम को अच्छे से व्हिप कर लिया था और उसके बाद इसकी लेयर लगाएंगे, अच्छी तरह से स्प्रेड करेंगे चारों तरफ। अब मैं इसके ऊपर एक और पीस रखूँगी और सेम प्रोसीजर रिपीट करेंगे। अच्छी तरह से क्रीम को चारों तरफ फैला लेंगे। अब मैं एक और लेयर रखूंगी शुगर और मिल्क का। मैंने ये देखिए इसके ऊपर डाला, इससे केक बहुत सॉफ्ट हो जाता है, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है। आप मिल्क नहीं यूज करना चाहते हैं तो पानी के साथ में बना लीजिए, पानी भी डाल सकते हैं। क्रीम को अच्छी तरह से चारों तरफ स्प्रेड करेंगे। फाइनल लेयर रखी और इसको फिर मैं क्रीम की मदद से पूरा इसको कवर कर दूंगी। ठीक है, देखिए हमारी फर्स्ट लेयर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। इसको मैं थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखूंगी ताकि ये सेट हो जाए क्रीम। अब हम सेकेंड लेयर इसके ऊपर लगाएंगे। पाइपिंग बैग में हमने व्हिपिंग क्रीम डाली, इसके ऊपर फाइनल लेयर हम इसके ऊपर लगाएंगे। इसको अच्छी तरह से स्प्रेड करेंगे चारों तरफ इवनली। सारे गैप्स को फिल करेंगे और इसको इवन करेंगे। अच्छा, ये देखिए क्रीम में मैंने कलर मिलाया हुआ था। अब मैं इसको इस तरह से लगाऊंगी, नीचे थोड़ा सा ज्यादा इसको शेड देने के लिए, और ऊपर इस तरह से फैलाएंगे ताकि ऊपर थोड़ा हल्की क्रीम आएगी। सबसे पहले डार्क शेड लगाएंगे। अच्छा, ये बिल्कुल एडिबल है, ये मैंने घर में कलर बनाया है। ये जो है बीट रूट का रिडक्शन है। ये इसकी रेसिपी मैं आपको बना के बहुत जल्दी दिखाऊंगी कि कैसे रिडक्शन करते हैं किसी भी फ्रूट का या किसी भी वेजिटेबल का। उसके बाद मैं अब लाइट कलर यूज कर रही हूँ, पिंक कलर सेम। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब देखिए मैंने ये फॉन्डेंट के फ्लावर्स बनाए थे। फॉन्डेंट के फ्लावर्स भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, इसकी रेसिपी मैं लिंक शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से देख लीजिएगा। बहुत ईजी है बनाना और बहुत खूबसूरत बनते हैं इसके फ्लावर। ठीक है, ये ग्रीन लीव्स बनाई है, इसको भी लगाएंगे साथ में। ये देखिए बहुत इजी है बनाना, आप एक बार वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे बनाते हैं। जो मैंने नीचे क्रीम लगाई थी इसको इवनली स्प्रेड करेंगे। ये देखिए शेड आ गया हमारा, नीचे डार्क और ऊपर थोड़ा सा लाइट शेड। चॉकलेट गार्निश लगाएंगे साथ में। अच्छा, हमारा केक बिल्कुल रेडी है। आप ज़रूर ट्राई करिए और मुझे बताइएगा कि आपको मेरा केक कैसा लगा। इस वैलेंटाइन पर ज़रूर इसको बनाइए और अपनों के साथ में शेयर करिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, बताइए मुझे कि कैसा लगा आपको। और किसी और चीज़ की रेसिपी चाहिए तो वो भी प्लीज़ बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।